हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो गाइस, आज है ना सुबह सुबह से हमारे यहाँ महायुद्ध हो रहा है, बिट्टू तन्नू वर्सेस मम्मी वर्सेस कमल। ये कितना वर्सेस हो गया, सब ये आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, एकदम फनी वाली लड़ाई हो रही है। सीरियस वाली मत ले लेना, ठीक है? अभी क्लियर कर देता हूँ। सो ये दोनों मम्मी से लड़ रहे थे क्योंकि मम्मी ने कूलर बंद कर दिया। देखो कूलर बंद है ना, नहीं अभी रुक जाओ, मम्मी साफ सफाई कर रहे हैं अभी ये कचरा। देखो ये मम्मी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप? सब ठीक है? ठीक हो? पोछा ओछा लगा रहे, इस वजह से अभी मम्मी ने कूलर वगैरह बंद करा है। दादी कूलर चालू कर दो। गुड मॉर्निंग बोला आपने। गुड मॉर्निंग गाइस, तन्नू और मेरी लड़ाई हो गई थी अभी। और तन्नू ने बिट्टू को बहुत मारा। अरे देखो कमल को तो नहा धो के एकदम तैयार हो गया है। कहाँ जा रहा, कहाँ रहा है? लड़की वड़की देखने जा रहा है? नहीं, कहाँ जा रहा है? नहीं, खेलने ना, नए कपड़े हैं। नए कपड़े तो नहीं है पर अच्छे लग रहे हैं, स्मार्ट लग रहा है आजकल। हो गई मम्मी आपकी साफ सफाई? झाड़ू वाड़ू लगाना हो गई? अगर मस्ती करेंगे, अगर दौड़ा दाड़ी करेंगे तो ऐसी चोट तो लगेगी। लगी गो तो हर चोट पे उल्टी। उसका दे देने तो मारेगा वो, दे दे। तो गाइस देखो बिट्टू रो रहा है, ले रोते रोते ब्लॉग बना। अरे बस बस ना, लगा उसको क्या? देखो क्या हुआ, बताओ। ऐसे निकल के जा रहा था तो ये लग, पर उसके बदले कमल को मारने जा रहा हूँ। अरे हाँ कर ले, थोड़ी देर। तो थोड़ी देर पहले ना हम लोगों ने काफी सारे रील बनाए इंस्टाग्राम के लिए, और रील बनाते बनाते अभी हम सबको लग गई है भूख, और अभी हम सब मिलके खाना खा रहे हैं। इधर देखो ये रात की बची सब्जी खा रहे हैं हम। हाँ, मैंने भी देखो ये ले लिया है खाना। कमल मम्मी भी ले लेके आ रहे हैं। उधर देखो ये मम्मी भी आ रही है खाना लेके, अभी मम्मी भी खाएंगे और कमल भी उधर आ ही रहा है। सो अभी हम फटाफट सब मिलके खाना वाना खा लेते हैं। गाइस आप लोग भी खाना खा लीजिए। क्या बनाने लग गए? हाँ आज आपने बहुत ही कम खाना बनाया था, और रात की सब्जी बच गई थी ना, इस वजह से ना। आपने देखा था गाइस, थोड़ी देर पहले हम लोग खाना वाना खा रहे थे तो अभी मम्मी खिचड़ी बना रहे हैं। खिचड़ी बन रही है हमारे यहाँ, खिचड़ी। हाँ मैगी जैसी खुशबू आ रही है ना, मुझे वैसे ही लग रहा था जैसे कि मैगी बना रहे हो। हाँ खुशबू वैसे ही आ रही थी, मैं इसीलिए तो देखने आया। मम्मी को मैगी बनाते ही नहीं आता ना, मैं मैगी कैसे बनाने लग गए। फिर देखा तो खिचड़ी बना रहे मम्मी, मम्मी बना रहे खिचड़ी, तन्नू हो गए लीचड़ी। मम्मी बना रहे खिचड़ी, तन्नू हो गए लीचड़ी। मम्मी बना रहे खिचड़ी, तन्नू हो गए लीचड़ी। ए बस हो गया। अरे ओ ओ सेमड़ी बस, अरे गिर जाएगी, चोट लग जाएगी। आओ गिरने दे। वाह यार बिट्टू, वेरी गुड वेरी गुड, सही है सही है, जैसा आ रहा वैसा कर, सीख जाएगा। देख मैं सिखाता हूँ पहले, इधर देख। ऐसा देख, मैं एक बार सिखा देता हूँ, ध्यान से देखना है। रुक।
फाइनली देखो मम्मी ने खिचड़ी विचड़ी सब बना ली और खाने भी लग गए। इधर मम्मी खा रही है और यहाँ पर तन्नु भी खा रही है खिचड़ी। कैसी लग रही है? अच्छे। तो दोनों के दोनों शैतान यहाँ मेरी नकल कर रहे हैं। ये तन्नु कौन बन गई है? कमल बन जाती है। कैसे कैसे करते हैं? करो 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 करो। तन्नू कमल बनी हुई है और ये मेरी नकल कर रहा है। ठीक है ठीक है। तो गाइस अभी मैं बिट्टू का एक शॉर्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। अभी कौन सा क्या बनाऊंगा तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पर जाना चेक करने के लिए। साइड में देखो मेरी इंस्टाग्राम आईडी शो हो रही होगी और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ, आप वहाँ से डायरेक्ट इंस्टा फॉलो कर सकते हो। मम्मी ये दोनों पागल हो गए। मम्मी मम्मी इधर आओ, ये दोनों बच्चे पागल हो गए। पागल है पागल मम्मी, ये दोनों पागल हो गए। इनको पागल खाने छोड़ के आजा। चुप हो जाओ शैतानो। तो गाइस जब से हम लोग न्यू कूलर लेके आए हैं ना और न्यू कूलर वाला ब्लॉग डाला था ना, उसमें आप लोगों के काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट भी आए थे। बहुत सारे लोग सब खुश हो गए थे कि फाइनली आप कूलर लेके आ गए अपनी फैमिली के लिए। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने नोटिस करा होगा जो मैं कूलर लेके आया हूँ, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं सेकेंड हैंड कूलर लेके आया हूँ। और जो मैं उसकी प्राइस बता रहा था कि 8,500 रुपये का मैं ये कूलर लेके आया हूँ, तो बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि ये 8,500 का नहीं है, बहुत सस्ता कूलर है और आप सेकेंड हैंड कूलर लेके आए हो और पब्लिक के सामने से झूठ बोल रहे हो कि न्यू कूलर लेके आए हो और झूठे झूठे प्राइस भी बता रहे हो कि 8,500 बता रहे हो। आप में से अगर किसी ने अच्छे से ब्लॉग देखा होगा ना पूरा, जब मैंने कूलर वाला ब्लॉग अपलोड करा तो उसमें मैंने भी खुद बोला हुआ है, जो शॉप वाले भैया था उसको मैंने खुद बोला हुआ कि मुझे ये पुराना कूलर लग रहा है। वो बोल रहे थे कि पुराना कूलर नहीं है, रखे रखे ऐसा हो गया। अंदर से तो पूरा नया ही लग रहा था, जब हम लोगों ने खोला था तो नया ही लग रहा था, बट अगर आप लोगों को लग रहा है कि शायद पुराना कूलर दे दिया तो उसके बारे में मुझे तो इसका कुछ पता नहीं है। मुझे तो नया ही लग रहा था, बाकी देख के ऐसा लग रहा था कि पुराना कूलर है, लेकिन चल तो बहुत अच्छे से रहा है ना, बहुत ही अच्छे से हवा भी मिल रही है और जो पुराने वाला कूलर था उससे तो डबल चल रहा है स्पीड में। पुराने वाला कूलर जो हमारे पास है वो 10,000 रुपये का है और ये 8,500 रुपये का है। बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं हो रहा था ना, तो मैं सबूत भी दिखा देता हूँ। जब भी कुछ भी अपन सामान लेते हैं बिल वगैरह तो पता नहीं देते ही है ना, तो साइड में आप लोगों को मैं बिल दिखा रहा हूँ, देख लीजिए अच्छे से। जिस जिसको भी गलत फील हो रही थी कि कूलर मैं पुराना लेके आया हूँ और ये बहुत सस्ता है और मैं झूठ बोल रहा था कि इसकी प्राइस जो बता रहा था वो नहीं है, साइड में देखो इसकी रियल प्राइस आप लोगों को दिख रही होगी। जितने का मैं कूलर लेके आया हूँ उतने का बिल बना के दिया और 8,500 रुपये का कूलर है, मैंने सबूत भी दिखा दिया। ठीक है, और जैसे ही कूलर लेके आया है ना वो भी आप लोगों ने देखा होगा कि उसका स्विच भी टूट गया। कभी कभी तो मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, इतना महंगा कूलर लेके आया हूँ और लाते के मैं टूटना फूटना भी शुरू कर दिया यहाँ से। देखो आपको नया दिख रहा है कूलर या पुराना दिख रहा है, भाई सभी लोग अच्छे से देख लो, कलर वलर कोई निकल गया सब कुछ, इस वजह से पुराना लग रहा था और दिखने में तो सेम वही लग रहा है, पुराना ही लग रहा है। मेरी ज गलती है, देखो ये अब ये देखकर सबको यही लगेगा ना यार कि पुराना कूलर है, मुझे भी यही लग रहा था पहले भी। मतलब मेरे लिए ऐसे बोल रहे थे कि पहले भी आपने गलती करी थी, इतना महंगा कूलर लेके आए थे लेकिन अच्छा नहीं था, इस बार भी मेरे से वही गलती हो गई, इतने सारे पैसे दे के आया और पुराना वाला कूलर लेके आया। देखने में ऐसा ही लग रहा है यार, उस पर तो ऐसा लग रहा है कि नहीं आया होगा वो, अब क्या कर सकते, जो भी है लेके आ गया, बट वो चल अच्छा रहा है। तो आप फटाफट इस ब्लॉग का एंड भी कर लेता हूँ, बताना आपको आज का ब्लॉग कैसे क्या लगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल पर क्लिक करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना, सबसे पहले नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहुंच सके। और गाइस हमारी फैमिली को ऐसे सपोर्ट करते रहो, आगे बढ़ाते रहो। अगर आपने किसी ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस वीडियो को शेयर करो और एक प्यारा सा कमेंट करो। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, फिलहाल के लिए बाय।